आओ जोना बैठो, कैसी हो? मुझे तो हैरत है कि आपने मुझे अंदर आने कैसे दिया। मैं तो समझी कि आप मुझे धक्के मारकर अपने गार्ड से कहकर इस ऑफिस से निकाल देंगे, जैसे आपने आप ही के साथ किया। प्लीज हो ना, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम इंटरफेयर मत करो। पर्सनल मैटर? भाई, शादी दो लोगों के बीच में जरूर होती है, मगर उसे निभाती दो फैमिलीज है। और जब उस रिश्ते में रंजिशें आती है ना, तो सिर्फ दो लोग मुतासिर नहीं होते, बल्कि उसके नताइज दोनों फैमिलीज को भुगतने पड़ते हैं। सो प्लीज डोंट से दैट इट्स योर पर्सनल मैटर। आप अनाया आप ही के साथ सही नहीं कर रहे। जब आपको यही सब करना था तो आपने उनकी जिंदगी बिना वजह में बर्बाद क्यों की? लेकिन जब आपको ये पता चलेगा ना कि अनाया आप ही पर लगा एक एक इल्जाम झूठ था, तो आप बहुत पछताएंगे, माफ नहीं कर पाएंगे खुद को। मगर अफसोस, उस वक्त आप अनाया आप ही को ही नहीं बल्कि उन तमाम रिश्तों को अपने से खो देंगे जो आपके सबसे ज्यादा करीब थे। क्या तुम सच नहीं जानती? और बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक पे ना बात करें। मायर भाई, सच से ना आपको लाइन रखा जा रहा है। माँ जैसे भी हो, अपने बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। और आप जितने खसारे में है ना आज, ये सब उनका किया धरा है। बस कर दो सोना, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अच्छा, आपकी मॉम की बहुत इज्जत है, मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं ना। इसीलिए तो आपके घर से ना सिर्फ मेरी बहन को बल्कि मेरी माँ को भी जलील करके घर से निकाला गया। पता नहीं गरीब सह क्या जाता है, अमीर तो उसे ह्यूमिलेट करना अपना हक समझने बैठ जाता है। मायर भाई, आपको ना आपकी ये शानो शौकत और अमीरी मुबारक हो। मैं सिर्फ आपसे इतना कहने आई हूं कि प्लीज प्लीज मेरी आपी को परेशान करने का सिलसिला बंद कर दीजिए।